स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो है फूड। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये फूड अलग अलग फॉर्म्स में जरूरी हो सकता है, पर हर लिविंग बींग के लाइफ में फूड का मेन मकसद एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। लेकिन फूड सिर्फ हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि हमारी फूडिंग हैबिट्स ये भी डिसाइड करती हैं कि हमारी हेल्थ और हमारा बिहेवियर कैसा होगा। एंशियंट टाइम्स में ऑर्गेनिक मेथड से ही कल्टीवेशन किया जाता था, इसके चलते भले ही हमारी प्रोडक्टिविटी लो थी पर फूड की क्वालिटी अच्छी हुआ करती थी, जिस वजह से लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे थे। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ फूड की नीड एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने मैन मेड फर्टिलाइजर्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इजाद किया। इन डिस्कवरीज की वजह से फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्योंकि अब इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सेम एरा में पहले के मुकाबले ज्यादा क्रॉप उगाई जा सकती थी। इसके साथ ही धीरे धीरे इन प्रैक्टिसेस के यूज से क्रॉप्स की क्वालिटी खराब होने लगी, इसके चलते कुछ डिकेड से लोगों में तरह तरह के डिजीज का ट्रेंड देखने को मिला है। एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं इसका कारण हमारे फूड और उसे कंज्यूम करने की हैबिट्स को मानते हैं। वही कारण है कि अब लोग अपनी फूडिंग हैबिट्स को बदल कर धीरे धीरे ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की तरफ वापस जा रहे हैं। यहाँ तक कि इसी समस्या के चलते अब लोग वीगन लाइफस्टाइल को भी अपनाने लगे हैं, जहाँ किसी भी तरह के एनिमल या डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड किया जाता है। लेकिन क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है? तो शायद इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चाहे ऑर्गेनिक फूड हो या वीगन फूड, दोनों ही आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है और उसकी पहुंच से काफी दूर है। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा फूड है जिसे साइंटिस्ट सुपर फूड कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये सुपर फूड हमारी काफी सारी समस्याओं को हल कर सकता है। हम बात कर रहे हैं स्पिरुलिना की। वैसे तो स्पिरुलिना की डिस्कवरी 1519 में ही कर ली गई थी, लेकिन इसके रियल पोटेंशियल का पता लोगों को 1974 तक भी नहीं चल पाया। 1974 में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पिरुलिना को बेस्ट फूड फॉर द फ्यूचर डिक्लेयर किया गया, जिसके बाद ग्लोबली इसे और भी अधिक सीरियसली लिया गया। 70s में ही नासा ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट में पाया कि स्पिरुलिना वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंसंट्रेटेड फूड है, और यही कारण है कि आज स्पिरुलिना का इस्तेमाल कैप्सूल की फॉर्म में एस्ट्रोनॉट्स द्वारा स्पेस में किया जाता है। स्पिरुलिना के पोटेंशियल को जानने के लिए इस चार्ट को देखिए, जिसमें 100 mg स्पिरुलिना की न्यूट्रिशनल वैल्यू को 100 g स्टीक की न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ कंपेयर किया गया है। स्टीक में जहां सिर्फ 25 g प्रोटीन प्रेजेंट है, तो वहीं स्पिरुलिना में 57 g प्रोटीन मौजूद है। साथ ही स्पिरुलिना में आयरन और कैल्शियम की मात्रा भी भरपूर है, जबकि वहां फैट सिर्फ 8 g है, जो स्टीक के मुकाबले आधे से भी कम है। इस कंपैरिजन को देखकर ये समझा जा सकता है कि क्यों स्पिरुलिना न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके इमेंस हेल्थ बेनिफिट्स हैं और साथ ही इसका प्रोडक्शन भी कन्वेंशनल फूड्स के मुकाबले इको फ्रेंडली है। स्पिरुलिना को अपने इन्हीं खूबियों के चलते पूरी दुनिया से अटेंशन मिल रहा है, जिसने हेल्थ एंथुसियस्ट की एसेंशियल सप्लीमेंट्स की लिस्ट में भी इसे ऐड कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी सुपर फूड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों स्पिरुलिना इतना खास है, इसके इस्तेमाल से ह्यूमन बॉडी को कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं और कौन से कॉन्ट्रोवर्सीज के चलते अभी भी स्पिरुलिना वाइडली कंज्यूम नहीं किया जा रहा है। तो इस वीडियो की इम्पोर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस के जनरल साइंस सबसेक्शन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो स्पिरुलिना एक साइनोबैक्टीरिया है जो एल्गी की कैटेगरी में आता है। असल में स्पिरुलिना एक यूनिसेलुलर बीजीय यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है। वाइब्रेंट कलर की वजह से कई बार इसे ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अल्कलाइन फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर्स में पाई जाती है, लेकिन इसे बड़े बड़े पॉन्ड्स में वेल कंट्रोल सेटिंग्स के अंडर कमर्शियली भी बनाया जाता है। न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स के चलते स्पिरुलिना का इस्तेमाल कई सेंचुरी से किया जाता रहा है, और ऐसे सबूत हैं कि एस्टेक्स और मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन में इसे फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता था। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स का सबसे बड़ा रीजन है इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटल अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, आयरन, एसेंशियल फैटी एसिड्स और विटामिन शामिल हैं। कुल मिलाकर स्पिरुलिना एक पावर पैक्ड सुपर हीरो जैसा है, और इसमें हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाने वाले सभी गुण मौजूद हैं। दोस्तों, स्पिरुलिना की सबसे खास बात है उसके रिच न्यूट्रिएंट प्रोफाइल। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन के साथ साथ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो इसे वेजिटेरियंस और वीगन लोगों के लिए एक सूटेबल ऑप्शन बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्पिरुलिना विटामिन, मिनरल्स, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम का भी एक्सीलेंट सोर्स है। लेकिन स्पिरुलिना का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है उसमें मौजूद क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल प्लांट्स में पाया जाने वाला ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्लोरोफिल डिटॉक्सिफिकेशन में भी सपोर्ट करता है जो ह्यूमंस की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि स्पिरुलिना की एग्जैक्ट न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और इसीलिए ग्रोइंग कंडीशंस के हिसाब से इसकी कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है। लेकिन एक जनरल ओवरव्यू के हिसाब से स्पिरुलिना के अंदर हर 100 ग्राम्स में कुछ ऐसी न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन होती है, जैसे लगभग 55 ग्राम के आसपास प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है जो इसे प्रोटीन का एक्सेलेंट सोर्स बनाती है। स्पिरुलिना को एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स माना जाता है क्योंकि इसमें वो सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इन्हीं अमीनो एसिड्स के लिए लोग तरह तरह के सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं, पर ये सुपर फूड इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। करंटली ग्लोबल अमीनो एसिड सप्लीमेंट का मार्केट करीब $25 बिलियन का है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक्सेलेंट सोर्स है जो इसे वीगन लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सिर्फ 25 ग्राम की होती है और करीब 3.5 ग्राम डाइटरी फाइबर मौजूद होता है। इसका एक और खास फीचर यह है कि इसमें फैट की मात्रा बेहद कम होती है। 100 ग्राम में से फैट का अमाउंट सिर्फ 7 ग्राम्स होता है और उसमें से भी ज्यादातर हेल्दी पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के रूप में होता है। इसमें विटामिंस भी मौजूद होते हैं और साथ ही विटामिंस के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। स्पिरुलिना एसेंशियल फैटी एसिड्स का भी सोर्स है। इसमें गामा लाइनोलेनिक एसिड भी पाया जाता है जो एक ओमेगा 6 फैटी एसिड है। स्पिरुलिना की असली खासियत को समझने के लिए हमें उसे किसी दूसरे फूड से कंपेयर करना होगा। अब देखिए दोस्तों, मिल्क एक ऐसा फूड है जिसे कंप्लीट सोर्स माना जाता है और इससे कंपेयर करके स्पिरुलिना की असली न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि 100 ग्राम मिल्क की न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन क्या होती है। मिल्क में प्रोटीन मात्र 3-4 ग्राम के बीच में होता है। 100 ग्राम मिल्क कंज्यूम करने से आपकी बॉडी को लगभग 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लैक्टोज। मिल्क में डाइटरी फाइबर नेग्लिजिबल होता है क्योंकि मिल्क फाइबर का अच्छा सोर्स नहीं है। इसमें लगभग 4 ग्राम फैट पाया जाता है जिसमें सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसके अलावा मिल्क में विटामिन ए, B2, B12 और विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे मिनरल्स का भी अच्छा सोर्स होता है। लेकिन मिल्क का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है कैल्शियम जो बोन हेल्थ और दूसरे बॉडी फंक्शंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब दोनों के कंपैरिजन को देखने पर पता चलता है कि स्पिरुलिना मिल्क के कंपैरिजन में बेटर फूड है क्योंकि इसका प्रोटीन कंटेंट मिल्क के कंपैरिजन में लगभग 14 टाइम्स है और स्पिरुलिना एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है, वहीं मिल्क एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स और साथ ही मिल्क में डाइटरी फाइबर्स नेग्लिजिबल है जबकि स्पिरुलिना में डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं। हालांकि स्पिरुलिना और मिल्क दोनों के ही यूनिक न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं और उन्हें डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि स्पिरुलिना एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है। इसकी वजह से इसे एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में ही कंज्यूम किया जाना चाहिए क्योंकि इसको लेके बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी इससे जुड़ी हुई हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, स्पिरुलिना को सुपर फूड कहने के बहुत बड़े रीजन उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहले स्पिरुलिना में क्लोरोफिल और बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी में मौजूद हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। साथ ही ये क्रोनिक डिजीज के रिस्क को भी कम करते हैं क्योंकि स्पिरुलिना के बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स का बॉडी के ऊपर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से कैंसर और दूसरी कई बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन स्पिरुलिना इस रिस्क को रिड्यूस करता है। दरअसल इसमें फाइकोसाइनिन नाम का एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाया जाता है। ये न सिर्फ बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है बल्कि ट्यूमर ग्रोथ को ब्लॉक करता है और कैंसर सेल्स को भी किल करता है। इस इम्यूनिटी एनहांसिंग प्रोटीन को कैंसर ट्रीटमेंट पोटेंशियल के चलते स्टडी किया जा रहा है। रिसर्चर्स बताती हैं कि इस प्रोटीन में एंटीऑक्सीडेंट, पेन रिलीफ और एंटी इन्फ्लेमेटरी और ब्रेन प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि स्पिरुलिना का प्रोटीन बॉडी की कोलेस्ट्रॉल अब्सॉर्प्शन को भी कम कर सकता है जो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसकी मदद से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाली आर्टरीज क्लियर रहती हैं जो हार्ट के ऊपर स्ट्रेन को भी कम करती हैं। अगर आर्टरीज क्लियर ना हो तो स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है जो ब्लड क्लॉटिंग भी कर सकता है। स्पिरुलिना में मौजूद प्रोटीन बॉडी के ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड्स में मौजूद ऐसा फैट है जो आर्टरीज को हार्ड कर देता है जिससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और पैंक्रियाटिस के रिस्क को भी बढ़ा देता है। स्पिरुलिना बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प मिलती है। स्पिरुलिना का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट लोगों को पॉलन,
एनिमल हेयर और डस्ट से होने वाली एनर्जी से भी निजात दिला सकता है। एक स्टडी में पाया गया था कि एलर्जी मेडिकेशंस में स्पिरुलिना का यूज करने पर कंजेशन, स्नीजिंग और इचिंग जैसे सिम्टम्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्पिरुलिना में विटामिन ई, सी और B6 जैसे वो सभी विटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं जो एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि स्पिरुलिना वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है जो बॉडी में प्रेजेंट वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। स्पिरुलिना आईज और ओरल हेल्थ को भी मेंटेन करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। साथ ही इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज अच्छी ओरल हेल्थ को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल हो सकती है। एक स्टडी में पता चला है कि स्पिरुलिना वाले माउथवॉश को यूज करने से डेंटल प्लांट और गिंगिवाइटिस का रिस्क लोगों में कम हो गया। स्टडी में यह भी पता चला कि टोबैको का यूज करने वाले लोगों में ये ओरल कैंसर के रिस्क को भी कम कर सकता है। इसके अलावा स्पिरुलिना इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बॉडी से टॉक्सिन्स और हैवी मेटल्स को एलिमिनेट करके डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकता है, एंड्योरेंस को बढ़ाने और फटीग को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है और वेट लॉस करने में भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और दोस्तों, हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ स्पिरुलिना एनवायरनमेंट के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसका कल्टीवेशन इको फ्रेंडली है, जबकि नॉर्मल एग्रीकल्चर का जबरदस्त एनवायरमेंटल फुटप्रिंट होता है जो क्लाइमेट चेंज में सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। इसके अलावा दोस्तों, स्पिरुलिना का लोकलाइज प्रोडक्शन भी पॉसिबल है क्योंकि इसे अर्बन एरियाज में कल्टीवेट किया जा सकता है, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एनवायरमेंट इम्पैक्ट को भी रिड्यूस करता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि भले ही स्पिरुलिना काफी इको फ्रेंडली ऑप्शन है, लेकिन सभी बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए ये जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पर ध्यान दिया जाए ताकि एनवायरमेंट पर पड़ने वाले किसी भी तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम किया जा सके या फिर खत्म किया जा सके। तो दोस्तों, क्या स्पिरुलिना में सब कुछ अच्छा है और उसके कोई भी कॉन्स नहीं है? तो जवाब है नहीं। स्पिरुलिना पर अभी भी कई सारी रिसर्चेस चल रही हैं और इससे रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सी समय समय पर हेडलाइंस का हिस्सा बनती हैं। इससे रिलेटेड सबसे पहली कॉन्ट्रोवर्सी है कि अगर स्पिरुलिना को वाइल्ड में हार्वेस्ट किया जाए तो उसमें हैवी मेटल्स और बैक्टीरिया की प्रेजेंस हो सकती है। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहां स्पिरुलिना प्रोडक्ट्स ब्लू ग्रीन एल्गी के सर्टेन टाइप से प्रोड्यूस होने वाले माइक्रोसिस्टन टॉक्सिन, बैक्टीरिया और मर्करी, लेड और आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल से कंटेमिनेटेड मिले हैं। इनके हाई अमाउंट की वजह से कुछ टॉक्सिन्स लीवर तक को डैमेज कर सकते हैं। स्पिरुलिना से रिलेटेड प्रेगनेंसी कंसर्न्स भी देखे जाते हैं क्योंकि अभी तक ये प्रूव करने के लिए इनफ रिसर्च मौजूद नहीं है कि स्पिरुलिना प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए सेफ है। टॉक्सिन के रिस्क की वजह से डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को स्पिरुलिना अवॉइड करना चाहिए। स्पिरुलिना ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन ऐसे लोग जिनको ब्लीडिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनमें ये ब्रूजिंग और ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा भी सकता है। साथ ही स्पिरुलिना ब्लड शुगर लेवल्स को भी अफेक्ट कर सकता है, इसलिए डायबिटीज से अफेक्टेड लोगों को स्पिरुलिना लेते समय ब्लड शुगर को मॉनिटर करना चाहिए। रिसर्चर्स बताती है कि स्पिरुलिना इम्यून सिस्टम फंक्शन को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये ऐसे लोगों में सिम्टम्स को बढ़ाता है जो ल्यूपस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी ऑटो इम्यून डिजीज से जूझ रहे हैं। कई लोगों को स्पिरुलिना से एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी और डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि स्पिरुलिना के हेल्थ बेनिफिट्स को बहुत एक्सटेंसिवली प्रमोट किया जा रहा है और बूस्टिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, एडिंग इन वेट लॉस और डिजीज के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट जैसे क्लेम्स काफी ओवरहाइप्ड है। हालांकि इनसे रिलेटेड लिमिटेड साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी कुछ असर्शंस एग्जैजरेटेड हो सकते हैं। इससे रिलेटेड रेगुलेटरी इश्यूज और क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज भी आ सकते हैं। दरअसल सप्लीमेंट इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरह टाइटली रेगुलेटेड नहीं है। इस लैक ऑफ रेगुलेशन की वजह से प्रोडक्ट क्वालिटी, पोटेंसी और प्योरिटी जैसी चीजें इम्पैक्ट हो सकती हैं। इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से हो सकता है कि कंज्यूमर्स को एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ना मिल पाए। साथ ही स्पिरुलिना की डिमांड बढ़ने के साथ साथ एथिकल सोर्सिंग, शेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और कॉम्पनसेशन फॉर कल्टीवेटर्स जैसे कंसर्न्स भी सामने आएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं कि भले ही स्पिरुलिना के न्यूमरस बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से समझने के लिए और ज्यादा रिसर्च की नीड है। ये जरूरी है कि स्पिरुलिना सप्लीमेंट्स का यूज करने से पहले कंज्यूमर इसके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड हो और साथ ही वो स्पिरुलिना प्रोडक्ट्स को रेप्यूटेबल और सर्टिफाइड सोर्सेज से ही लें ताकि इसके कंजम्पशन से रिलेटेड पोटेंशियल रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे सप्लीमेंट्स की तरह यह एडवाइस किया जाता है कि स्पिरुलिना को भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस पर ही डाइट में इंक्लूड किया जाए। स्पेशली उन लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए जो किसी प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन का शिकार है। दोस्तों, स्पिरुलिना की न्यूट्रिएंट डेंस प्रोफाइल, इको फ्रेंडली कल्टीवेशन और पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से इसे सुपर फूड की स्पॉटलाइट में डाला गया है। स्पिरुलिना को डाइट में ऐड करना काफी सिंपल भी है और ये अपने
और ये अपने न्यूट्रिशन इंटेक को बढ़ाने का एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है, लेकिन इसके नेचर की वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि इसका कंजम्पशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सजेशन पर ही किया जाए, जो आपके इंडिविजुअल नीड के हिसाब से स्पिरुलिना को परफेक्टली अलाइन करके आपके डाइट का हिस्सा बना सके। स्पिरुलिना का काफी सारा पोटेंशियल अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में क्रिएट होने वाली फूड क्राइसिस को सॉल्व करने में ये बेहद हेल्पफुल साबित हो सकता है, लेकिन तब तक के लिए ये जरूरी है कि हम स्पिरुलिना के यूजेस को परफेक्टली मॉनिटर करें और हेल्थ पर पड़ने वाले सभी इम्पैक्ट को समझें, क्योंकि तभी इस सुपर फूड को बिना किसी प्रॉब्लम के ग्लोबल फूड चेन का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसी के साथ आज के डिस्कशन को मैं ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज कंसीडर्ड एज फूड स्पिरुलिना इज अ ऑप्शन ए यूनिसेलुलर बीजीए, ऑप्शन बी कॉलोनियल बीजीए, ऑप्शन सी फिलामेंटस बीजीए, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।